नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाते हैं जो अभी अभी नवनिर्वाचित हुई है और मेवाड़ा माली समाज ने उनको चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष बनाया। जी हाँ, रामपुरा की मैं बात कर रहा हूँ। रामपुरा मेवाड़ा माली समाज जिसके अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई श्रीमती रीता माली, वो निर्वाचित हुई है। उनसे हम आज रूबरू होंगे और समाज के डेवलपमेंट को लेकर उनका विज़न क्या है, तमाम ऐसी बातें आज हम उनसे करते हैं। सीधे हम जुड़ते हैं रीता माली के साथ। रीता जी, आपका स्वागत, अभिनंदन, समाज ने आपका अध्यक्ष बनाया। जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस योग्य समझा और आज मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है, समाज का प्रतिनिधि बनाया है। तो बिल्कुल सबका आभार है, सबका धन्यवाद है। रीता जी, अगर आपकी शिक्षा की बात करें, शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और कहाँ तक आप पढ़े? जी, मैंने शिक्षा 11th तक तो कुकड़ेश्वर, मेरा मायका, वहाँ पे पढ़ाई की 95, और 95 में मेरी शादी हुई रामपुरा। तो मैंने आगे की शिक्षा रामपुरा से ग्रहण की और मैंने हाई सेकेंडरी से, कन्या हाई सेकेंडरी से 12th की। उसके बाद कीमती महाविद्यालय में मैंने BA कम्प्लीट किया। उसके बाद मैंने MA समाजशास्त्र से कम्प्लीट किया। जी, उसके बाद 2002 से मैंने प्राइवेट जॉब भी की, एक शिक्षिका के रूप में, जो कि मैंने 2018 तक की। लेकिन 2018 के बाद जब मेरी सासू माँ को मेरी ज़रूरत लगी, भाई उनको क्या है, पैरालिसिस हो गई थी, तो उनको जब मेरी ज़रूरत लगी तो मैंने वह जॉब छोड़ के और 4 साल तक उनकी सेवा में मैं रही। इस तरीके से मैंने शिक्षा भी ग्रहण की और अपना कार्य भी किया। कभी कभी क्या होता है कि जब लड़की की शादी होती है, ससुराल जाती है, तो ससुराल वाले उस बच्चे को आगे नहीं पढ़ाते हैं और आप बता रहे हैं हायर सेकेंडरी यहाँ से की, उन बच्चों में आप पढ़ने के लिए गई होंगी, कैसा लगा आपको? जी अच्छा लगा, सबके साथ गई। बस मुझे बस ऐसा ही लगता था, केवल क्योंकि बाकी सब तो स्कूल यूनिफॉर्म सलवार सूट जो होता है वो पहन के आती हैं, मैं साड़ी पहन के गई, तो मुझे कहीं कहीं लगता था, एक अलग सा फील होता था कि मैं इनसे थोड़ा सा अलग हूँ। लेकिन नहीं, जब मैं स्कूल गई तो मुझे यहाँ पर जो मेरे जितनी भी सहेली थी, साथियाँ थी, सभी ने मुझे बिल्कुल अच्छा रखा। बाकी जो मेरे अध्यापक थे उन्होंने भी मुझे अच्छे से रखा, तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं मैं साड़ी में आई हूँ या मैं इनके साथ नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि मैं अपनी वही उन्हीं सब सहेलियों के साथ हुआ, या ऐसा ही है, शादी के बाद नहीं पढ़ रही, मैं तो अभी पढ़ ही रही हूँ, ऐसा मुझे लगा। ऐसा आपको लगा और अब समाज ने आपको एक बड़ी जवाबदारी दे दी, रामपुरा मेवाड़ा माली समाज के अध्यक्ष आपको बनाया समाज जनों ने। कितने परिवार आपके यहाँ पर रहते हैं? जी, हमारे यहाँ पर 35 परिवार रहते हैं और 2 परिवार इसमें से 35 के बाद 2 परिवार बाहर रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा कुल 35 परिवार हैं। और सभी ने यदि जवाबदारी दी है तो बिल्कुल मैं उसको निभाऊंगी और समाज हित में सबके साथ मिलकर कार्य करूंगी, अपनी कार्यकारिणी के साथ। देखा जाता है महिलाएं बहुत आजकल आगे रहती है और समाज के अध्यक्ष पद पर आपको बिठाया है और एक ऐसी जवाबदारी दी है आपको समाज ने, समाज के लिए, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, समाज ने मुझे जवाबदारी दी है और ये जो हमारा, मैं जिस सर्कल से आती हूँ, जैसे मेवाड़ा माली समाज, इसमें आज तक किसी भी पंचायत में या किसी भी जगह महिलाओं को स्थान नहीं मिला अभी तक। तो एक तरह से ये हमारे समाज के लिए पहल हुई है और इसमें सभी का, वरिष्ठों का, सभी हमारे छोकरा पंचों का, या रामपुरा के जितने भी वरिष्ठ पंचगण हैं, या मेरी जितनी भी मातृशक्ति है, उन सबका मुझे सहयोग मिला और एक तरह से पहली बार उन्होंने महिला अध्यक्ष चुना। तो एक तरह से समाज हमारा बदल रहा है और वाकई में जो हम पिछड़े हैं शायद अब हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि समाज में बदलाव की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारी सोच परिवर्तित होती जाएगी वैसे वैसे हमारा समाज उन्नति करेगा। तो आज यदि उन्होंने बिल्कुल एक महिला को अध्यक्ष बनाया है, एक तरह से बताते हैं कि कुप्रथा बदली है, एक इतिहास बदला है, तो बिल्कुल हम कार्य करेंगे और सबके जो आशाएँ हैं मुझ पर उस पर मैं बिल्कुल खरी उतरने का प्रयास करूँगी, पूरी अपनी समिति के साथ, अपनी कार्यकारिणी के साथ। ऐसे कौन से काम है जो आप करना चाहती हैं समाज में, मना रामपुरा में? जी, मैं समाज के लिए, जैसे कि हमारे मंदिर है यहाँ पर, तो मंदिर में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, जो कई समय से चल नहीं रही थी, कई वर्ष हो गए, समय तो क्या वर्ष हो चुके हैं, तो उसको सुचारू रूप से चलाना चाहती हूँ। समाज में हमारे आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं,
तो हम ऐसा अपना बनाना चाहते हैं कि कुछ बच्चों के पढ़ने के लिए हम कुछ ऐसा बनाए, एक कमिटी बनाए, तो उससे हम योगदान लें कहीं से तो बच्चा पढ़ पाए ताकि वो आगे बढ़ सके। कोई कुछ परिवार ऐसे जो बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते, तो हम एक वो योजना चलाएँ। इसके साथ ही आज अभी हमारे मेवाड़ा माली समाज का एक चल रहा है कि हम सामूहिक विवाह सम्मेलन भी करें, तो उसमें भी जो हमारे सक्षम परिवार है तो उसके द्वारा हम उनको भी उनकी भी हेल्प करके बच्चों को जो असक्षम है अपने बच्चों की शादी करने में, तो उस सम्मेलन के द्वारा हम उनका विवाह करवाएं और जो मंदिर निर्माण है उसको करवाएं। समय समय पर हम सारे उत्सव ऐसे कार्यक्रम करें जिससे हमारे बच्चे जो हमारी सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं उससे जुड़े, क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं, आजकल की युवा पीढ़ी जानती ही नहीं है कि आगे समाज के लिए हमें क्या करना है, हमारे परिवार के लिए क्या करना है, एक तरह से वो भटक गए। तो हम सब मिलके समाज हित में ये सारा कार्य करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, और तो सारे कार्य समाज के लिए, जैसे कि हमारे माली समाज में बहुत सी कुरीतियाँ भी है अभी, तो बहुत सी कुरीतियों को भी हम बदलना चाहते हैं। कहीं जैसे कि हमारे समाज में अभी भी जो मृत्यु भोज है हम उसको भी बंद करना चाहते हैं। सभी हमारे सभी समाज जन चाहते हैं, अधिकतर मृत्यु भोज को हम बंद करना चाहते हैं। आज हमारे समाज के कई युवा कम पढ़े लिखे हैं, तो आज विवाह की स्थिति, जब विवाह योग्य हो जाते हैं तो वो विवाह के योग्य अयोग्य होते हुए मतलब भटकते हैं कम पढ़ाई के कारण। तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा व्यवसाय करें, यदि पढ़ नहीं पाते तो कोई बात नहीं, पर वो शुरू से ही एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े ताकि वो अपनी कमाई कर सके, ताकि उन्हें आगे विवाह करने के लिए कोई परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी है। इसके अलावा समाज में हमारे एक बदलाव ये भी ज़रूरी है कि समाज हित में कार्य करने के लिए आगे बढ़ने का कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। तो हम सब ये चाहते हैं कि जो प्रयासरत है उसके साथ सब जुड़े, हम भी जुड़े और उसको पूरा सहयोग करें और उसको आगे बढ़ाएं और समाज को आगे ले जाएं। कभी कभी क्या होता है कि जो अध्यक्ष बनता है ना वो अपनी मनमर्जी करता है, ये भी अक्सर होता है, वो समाज को साथ में लेकर नहीं चलता है, ये भी एक चुनौती आपके सामने रहेगी, तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये चुनौती मेरे सामने रहेगी, लेकिन मैं अध्यक्ष बनी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मन मर्जी करूँ। इतना मैं समझती हूँ कि आज मुझे यदि पद दिया है तो सभी की सहमति से दिया है और मैं सभी को साथ लेकर, और जो हमारी कार्यकारिणी बनी है और जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं जैसे हमारे चोकला पंच हैं, सभी को साथ लेकर, सबकी सहमति लेकर ही किसी निर्णय पर पहुँचूँगी और सबके साथ मिलकर ही कार्य करूँगी। ऐसा नहीं कि मेरी ये सोच नहीं कि मैं अध्यक्ष बन गई हूँ तो मुझे अपना मन मर्जी करना है या मैं अपनी इच्छाएँ सब पर थोपूँ, ये भी नहीं, मैं सबके साथ चलूँगी। आपके अध्यक्ष बनने से बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि सोच हमारे समाज की, जो हम मानते हैं कि सोच पिछड़ी है, लेकिन आज पिछड़ी नहीं है। अभी मेरा जितने भी गांव से संपर्क हुआ था, जब हमारे सारे गांव के जो पंच आए तो उनकी सोच वाकई बदली है, महिला पुरुष का नहीं है। यदि कोई पुरुष कार्य करता है तो वो भी करे, और कोई महिला भी करना चाहती है समाज हित के लिए, समाज उत्थान के लिए, तो बिल्कुल आज हमारे समाज का मुझे पूरा सहयोग है, पूरा सपोर्ट है, तो उनकी इन्हीं आशाओं पे मैं खरी उतरना चाहूँगी। बिल्कुल, यही मेरी इच्छा है और सबका सहयोग चाहिए मुझे। सबका सहयोग आपको चाहिए। आपके बच्चे की बात करें तो फिर बच्चों को कैसे आप मेंटेन करेंगे? बिल्कुल, बच्चे दो, मेरे दो बच्चे हैं, बेटे की मैंने शादी कर दी है, बहू ले आई हूँ घर पे, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म घर की, तो अब मैं समाज की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभा ली है। तो और बच्चा मेरा अभी जॉब करता है मंदसौर, और मेरी एक बेटी है उसने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आगे भी वो कुछ करना चाहती है तो करे, वो करेगी, हम उसको भेजेंगे कहीं पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहिए, अगर वो कुछ करना चाहे तो वो करेगी उसके लिए। तो बच्चों की जिम्मेदारी भी मैंने निभाई है और निभाऊंगी, ऐसा नहीं कि समाज का मैं सारे कार्य अपने हिसाब से करूंगी। रीता जी, चेयरमैन मेवाड़ा माली समाज के, महिलाओं को सम्मान? बिल्कुल, महिलाओं को सम्मान, क्योंकि पहले प्राचीन समय का एक श्लोक है मनुस्मृति में कि यत्र नास्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त फला निष्क्रिया। इसका हिंदी जो अर्थ है यह है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है सम्मान होता है, पूजा सम्मान जिस प्रकार घर में या परिवार में या समाज में देश में जहाँ पर नारी पूजनीय है, पूजा जाता है उन्हें, वहाँ पर सारी क्रियाएँ, वह समाज उन्नति करता है, वह देश उन्नति करता है, वह परिवार उन्नति करता है, और जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, वहाँ पर ये सारी क्रियाएँ विपरीत होती है, ना ही वो देश उन्नति करता है, ना ही वो समाज उन्नति करता है, और ना ही वो परिवार उन्नति करता है। तो इसी श्लोक के माध्यम से या इस श्लोक को लेकर हम यही कह सकते हैं कि महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि
पुरुष वर्ग को ले लें तो पुरुष वर्ग के साथ भी हमें उनका भी सपोर्ट चाहिए, उनको भी उनके साथ के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, ना ही हम समाज को आगे ले जा सकते हैं, ना ही देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन महिलाओं को भी हम सम्मान करें और हमारे इस कार्यकारिणी में हम बिल्कुल महिलाओं को सम्मान करें, उनका सम्मान करेंगे, उन्हें आगे ले जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया और आप समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। ये थी मेरे साथ रीता माली, मेवाड़ा माली समाज के अध्यक्ष रामपुरम में बनी, पहली बार इस समाज में कोई महिला अध्यक्ष बनी है। उनका सोच बहुत बड़ा है, समाज के लिए, बच्चों के लिए, अपने वर्ग के लिए, कब कैसे प्रथम पंक्ति में आकर अपन खड़ा हो सकें, इनके लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।